तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्चा है और कुल मिलाकर 75 से 80 85 बच्चे तक हैं, और बकरियां 120 बकरियां तक हैं। जो कि अब आप सोचेंगे कि 120 में 75 है 80 कैसे बच्चा है, तो हम बता रहे हैं आप लोग को और कि उसमें आते रहते हैं बच्चा और बिकते रहते हैं बच्चा, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इसके लिए अभी छोटा बच्चा हम बता रहे हैं जो कि 70-80 के करीब में हैं, और जो बड़े थोड़ा बिकने वाले हैं वो भी दिखाएंगे आप लोग को बैक कैमरा से। और आइए हम बताते हैं दोस्तों, ये लोग को खिलाया क्या जाता है, क्योंकि मोटा और चर्बीदार होने के लिए यहाँ पे खिलाया जाता है। क्योंकि बच्चा जितना अच्छा पैसा देता है, बड़ा उतना अच्छा पैसा नहीं दे पाता है दोस्तों। तो इसके लिए समझ के चलें कि हम आप लोग को दिखाएंगे। और ऐसे तो 3 बोड़ी आया था, एक बोड़ी खलास है, 2 बोड़ी अभी बचा है, और क्या मिलाकर खिलाते हैं वो भी दिखाएंगे। और आइए वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लें। ऐसे तो दोस्तों ये लोग सभी बच्चे को हम डाल चुके हैं, डालने के बाद आप लोग को तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इधर ये बच्चे हैं और आप लोग अनुमान लगा लें, हम गिनती में नहीं किए हैं भाई, इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं। जो कि डाल चुके हैं, खा रहे हैं, और भी इधर बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर भी बच्चे हैं, 4 बच्चे इसमें, 2 बच्चे छोटे अभी 8-10 दिन के बच्चे, 2 बच्चे इधर 5-7 दिन के बच्चे आप लोग देख रहे हैं। बाकी इधर बच्चे दिखा रहे हैं इसलिए कि आप लोग को झूठ न लगे, इसके लिए हम दिखा रहे हैं। यह देखें 6-7 बच्चे इसमें, 5-6 बच्चे इसमें, 4 बच्चे करीब, बाकी इधर भी है आप देख सकते हैं, इधर भी है 10-12 बच्चे इधर हैं, 8-10 बच्चे ये भी हैं, आप लोग देखें। फिर उसके बाद हम आप लोग को ले चल के उधर दिखाएंगे क्या क्या मिला के खिलाया जाता है। और ये देखें, ये सब 1 महीना के बच्चे हैं, जो कि 8 किलो के बच्चे होंगे, खड़ा वजन 8 से 10-12 किलो तक वजन हो जाएगा, देखने में छोटे हैं मगर समझ सकते हैं आप लोग, ये बच्चे दुम्बा के बच्चे थे। बाकी इधर भी बच्चे हैं, 6 बच्चे इधर भी हैं आप देख सकते हैं। जो आ जाइए और भी दिखाते हैं भैया, अब बड़े बच्चे जो हैं, ऐसे तो छोटे बच्चे इसमें हैं, ये दोनों में इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर सूरज थोड़ा है, और जो बिकने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं वो लोग को भी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखें, ये सब बच्चे हैं, बाकी सब बच्चे ही हैं, बाकी ये जो बच्चे अभी 2-4 दिन के दी हुई बकरियाँ हैं, ये सब खुले हुए हैं इधर देख सकते हैं। और यही हमारा स्टोर रूम है, जहाँ पे जौ बरसिंग घास तीनों मिलाकर रखा जाता है, और विटामिन ए से लेकर सी तक का इसमें सब रहता है। और मेन जो चीज़ खिलाया जाता है वो आप लोग को दिखाएंगे। बाकी ये पहले यह देख लें, ये अब सब बच्चे बिकने वाले बच्चे हैं जो कि आप देख रहे हैं, और 25 से 30 बच्चे इसमें भी होंगे मेरे ख्याल से, तो देख सकते हैं दोस्तों। अब वीडियो में बने रहें, आ जाइए हम दिखाते हैं, सबक के अंदर घुस जाते हैं, इसे सबक बोलते हैं जहाँ पे रखा जाता है सब सामान, सऊदी भाषा में सबक बोलते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, बैक कैमरा में ही दिखाएंगे आप लोग को। तो दोस्तों आ जाइए, दिखा देते हैं आप लोग को। और यही है वो मसाला जो कि बच्चों को, यानी खस्सी जो हैं, बकरा जो हैं, मेल जो हैं, उनको डालने से और खिलाने से बहुत फ़ायदा समझें, बहुत फ़ायदा होता है। और अगर कोई भी बकरी पालन करते हैं भाई, तो ऐसे खिलाते रहें। जो कि आप देख सकते हैं इधर, ये क्या है, ये है जौ, जो कि सऊदी भाषा में इसको सीर बोलते हैं, और ये 50 केजी की बोड़ी आती है। हालांकि रमज़ान का महीना है आप तो जानते ही हैं, और ज़्यादा रखा हुआ था लेकिन खलास हो चुका है धीरे धीरे, और 2-4-6 दिन में फिर आगे ऐसे ही भर जाएगा। लेकिन बच्चों को खिलाने वाला जो हम बताएंगे वो आप लोग देखें और समझें, और कोई भी बकरी पालन अगर करते हैं तो समझ के चलें कि ऐसे काम करें ताकि फ़ायदा हो भाई, थोड़ा खर्चा करेंगे तो फ़ायदा होएगा, और नहीं तो फिर वही है कि फ़ायदा तो वैसे
चराई पे भी हो जाएगा, लेकिन करना पड़ता है। तो दोस्तों पहला चीज़ ये देखें, यह है, आप लोग पहचान सकते हैं और नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि ये कलर है। इसके लिए जो भाई नहीं देखे हैं तो शायद न जाने पाए, ऐसे हम बता रहे हैं। यह जो है यह है नमक, नमक कलर में है और बोरी आया था जो कि ये खलास हो चुका, बाकी सब इसमें अभी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह देखें यही है नमक, इसको खिलाने से मिलाकर बच्चे का, जो बच्चे होते हैं, खस्सी होते हैं, पाठी होते हैं, कुछ भी हो, बकरी के अगर बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं ये फ़ायदा बहुत करता है, जो कि पचा लेता है, समझ के चलें पचा लेता है। और दूसरा चीज़ ये है देखें, ये अभी 3 गोनी आया हुआ था जो कि 1 गोनी तो खलास कर दिया, वीडियो अलग ही नहीं बना पाया, खलास कर दिया, इतना अभी बचा है, आप देख सकते हैं ये इतना बचा हुआ है अभी। और इसके अंदर से दिखाते हैं, यह देखें यही है वो, जो कि इसमें सब दलिया वलिया मिक्स करके एकदम कंपनी बना के देती है, आप देख सकते हैं दाल और क्या क्या बहुत सी विटामिन मिलाकर बना के देती है। और ऐसे मिला के दोस्तों जौ के साथ खिलाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। यह देखें ये जौ है और वो है मिला के और नमक, तीनों चीज़ मिला के खिलाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, बाकी सब तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना दोस्तों। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों।